नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। एक लड़की 4 साल पहले अपने घर छोड़कर भाग जाती है और दिल्ली में जाकर रहती है और फिर कांस्टेबल बन जाती है। ये मामला मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां थाना क्षेत्र का है, जहां पिता शादी कराना चाहते हैं लेकिन लड़की चाहती है, कुछ बनना चाहती है लेकिन पिता नहीं मानते हैं, तो लड़की को मजबूरन होकर भागना पड़ता है और दिल्ली में रहकर वो पढ़ाई लिखाई करती है और जिसके बाद वो कांस्टेबल बन गई है। लेकिन पिता ने अपहरण का केस दर्ज कराया था, जिसको लेकर पुलिस छानबीन में जुटती है। क्या कुछ कह रहे हैं बोचहां थाने की पुलिस, पहले आप वो सुनिए। 61 का बयान लिए तो मुझे पता चला कि इनके पिताजी शादी करने के लिए मैं कुछ प्रे कर रहे थे कि जे तुमको शादी कर देते हैं। उसके बाद में ये सोची कि नहीं, मैं इसका आर्थिक स्थिति कुछ डैमेज था, तो कहे कि नहीं हम पढ़ेंगे। पढ़ने के वास्ते वो कह रहे थे कि अभी शादी हम कम उम्र में नहीं करेंगे। तो गांव देहात के रीति रिवाज से तो आप लोग समझ में करते हैं, तो पिता हर आदमी चाहता है कि मेरी बेटी को शादी कर दें ना। अब उसी के आक्रोश में अपने बुआ के यहाँ दिल्ली चली गई और वहीं रहकर अपना पढ़ाई लिखाई की या सेलेक्ट भी कर गई बिहार पुलिस। बिहार पुलिस की इधर देख जी, बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस में उस सेलेक्ट हुई है, कांस्टेबल बनी है। हाँ, कांस्टेबल जॉब कर रही है। क्या कितने दिन से काम कर रही है वहाँ? अभी ट्रेनिंग में है वो। हाँ, सिलेक्ट हो गई है। और उसमें जो केस जो हुआ है अपहरण का, जो बयान के अनुसार से दे रही है, अभी तो हम बयान 64 का नहीं बता सकते हैं, लेकिन बयान में दे रही है कि हम बाबू को तुमको कोई अपहरण भी करके ले गया तो नहीं, हम अपहरण करने के कोई हमको नहीं ले गया, हम खुद को गए पढ़ने के लिए अपने उसका बुआ कोई रहता है दिल्ली, तो गांव के समीप जो है उस तेजू पासवान को वहीं बोले कि हमको थोड़ा रहता है वहीं पर काम करता है। उसे कैसे बुलाए वहां से? वहां से हम सूचना दिए, फोन नंबर जैसे बोले कि अगर नहीं आएंगे तो फरार घोषित कर दिए। नहीं, फरार घोषित नहीं, हम कहे कि बयान देना आवश्यक है, इसलिए कि 18 का केस है, हमको चार्ज मिला तो देखे अवलोकन किया। अभी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है लड़की। हाँ, ट्रेनिंग चार कर रही है। क्या लड़की का क्या नाम है? अनीशा कुमारी। अनीशा कुमारी, निशा कुमारी। ये केस तो हुआ 18 ही में, 18 का हुआ। हाँ, नहीं शादी का कोई, हम पूछे भी शादी करने का भी तुमको इरादा है? इतना ही उससे अभी कोई मतलब नहीं। अभी पुलिस बनने के लिए गई? हाँ, पढ़ने के लिए गई है। पुलिस बने, कोई विभाग में जा सकते हैं, पढ़ने के बाद में जो बने। तो आपने सुना कि ये मामला 2018 का है, जहाँ एक लड़की जब भाग जाती है तो उसके पिता अपहरण का मामला दर्ज कराते हैं, लेकिन 4 साल हो जाते हैं, जांच पड़ताल चलती रहती है। इसी बीच लड़की को पुलिस का फोन आता है कि आपका अपहरण कर लिया था क्या? इसको लेकर लड़की को बुलाया जाता है तो पता चलता है कि लड़की तो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल बन गई है। दिल्ली पुलिस में लड़की कांस्टेबल है और ट्रेनिंग में है, उसका फर्स्ट बयान दर्ज कराया जाता है। पुलिस पूरे मामले को लेकर फिलहाल छानबीन में जुटती है। पुलिस का कहना है कि पिता शादी कराना चाहते थे और लड़की जो है वो कुछ बनना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी गरीब फैमिली से है, इसको लेकर बेटी अब उनकी बन गई है दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल, जिसके बाद हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।